माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बैठक के समर्थन में बोलने जा रहा हूं। मैं पहले तो आभारी रहूंगा कि पहली बार हिमाचल प्रदेश को रेल बजट में बहुत बड़े बड़े तोहफे मिले हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। मैं रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हिमाचल के सभी सांसदों के मांग के अनुरूप भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए 160 करोड़, चंडीगढ़ से बद्दी के लिए 95 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई तथा ऊना आम के बीच 25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के विद्युतकरण को मंजूरी दी गई है। रेल बजट में पहली बार प्रदेश को 3 रेल लाइनों हेतु 360 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे पहले 20-25 करोड़ दिए जाते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता को इस बार रेल बजट में बहुत बड़ा तोहफा मिला है, जो पठानकोट लेह लद्दाख से रेल मार्ग सर्वे के लिए प्रस्तावित किया जाना। माननीय उपाध्यक्ष जी, पठानकोट से जोगिंदर से होकर लेह लद्दाख तक प्रस्तावित रेलवे लाइन अपार संभावनाओं से भरी है। जोगिंदर तक छोटी रेल लाइन को ब्रॉडगेज रेल लाइन के परिवर्तन कर किया जाना है तथा जोगिंदर से आगे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े पर्यटन सर्किट को जोड़ती हुई रेल लाइन लेह लद्दाख पहुंचेगी। इस रेल लाइन की फलीभूत होने से पर्यटन को जहाँ एक नई पहचान को दिशा मिलेगी, वहीं बौद्ध पर्यटन का सबसे बड़ा सर्किट बन जाएगा। पर्यटक अभी तक मनाली के दूसरे सिरे पर बसी अद्भुत दुनिया को से अनजान थे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शन रोहतांग सुरंग का अब साकार रूप लेने वाली है। प्रस्तावित रेल लाइन से पूरे पर्यटकों को इस अलौकिक सुंदरता उपलब्ध होगी। माननीय अध्यक्ष जी, फरवरी 2008 में जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने इस प्रस्तावित रेल लाइन को भारत सरकार से आग्रह किया था, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार इस रेल लाइन को बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। अब इस योजना को साकार होने से जो लाभ होंगे वो अकल्पनीय होंगे। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, होंगे। चीन हमारे पड़ोस तिब्बत से लगभग इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों से पाकर आधे दर्जन से अधिक रेलवे लाइनों का निर्माण किया है। हिमालय से असंख्य वाणिज्य संभावनाओं के ओर दुर्बल खनिज धातुओं को भी खोज निकाला है। पठानकोट लेह लद्दाख रेल मार्ग सामरिक दृष्टि से साथ साथ वाणिज्य संभावनाओं से ओतप्रोत है। दुर्बल धातुओं और खनिजों से अतिरिक्त शून्य से नीचे तापमान में भौगोलिक क्षेत्र में असंख्य कार्बन फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन है जो चाइना बोर्डर तक जाती है और मंडी पार्लियामेंट सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। मैं चाहूंगा इसके लिए तुरंत इसे कार्य आरंभ किया जाए, ऐसी प्रार्थना करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।